जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है एमलगेमेशन का वो भी फॉलो नहीं किया, जो झाड़ थे वो सब काट दिए, कोई गिनती नहीं है उसकी कि क्या हुआ क्यों हुआ कुछ नहीं। अब क्या हुआ है कि जो सारा लैंड था जिसके अंदर पार्क अंदर आते हैं उसके ऊपर चारों तरफ पतरा लगा हुआ है बिल्डर का, पूरा श्राउडी तरीके से चल रहा है, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुराने पॉलिटिशियंस हो वगैरह वगैरह, इनकी मंशा ठीक नहीं लगती, ये लोग क्लियरली पता चलता है, बिकॉज उन लोगों का क्या इंटेंशन है वो जनता को मालूम है। ये जनता को मालूम है कि ये लोग तो वो हैं जो किसी के लिए कभी कुछ ना करेंगे, इनका अपना इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जितने वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल हैं, मैंने जाके उधर लोगों से बात, किसी को भी पता नहीं है कि वो रोड चौड़ी होने वाली है, किसी को भी नहीं मालूम है। आप बाकायदा जाके इंटरव्यू लीजिए उनका, यानी कि जो इम्पैक्ट होने वाला है, जिसकी दीवार को अंदर खींचा जाएगा, उसको भी नहीं पता। अगर ऐसे डिमोलिशन का मौका कि अनफॉर्चुनेट वो बनती है, जैसे हमने बॉम्बे में भी देखा, हाँ, कैंपाकोला कंपाउंड में ऐसा इशू बनता है, बिल्डर कहाँ था? वो बिल्डर तो खैर मर गया था, वो तो कहानी खत्म हो गई। हु इज़ द मेन सफरर? ये जो हमको बार बार धमकी देते हैं ना कि 600 लोगों की ज़िंदगी, सब आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो, हमें तो वो स्टोरी सुनाओ मत। जो आपने वो इलीगल टावर बनाया वहाँ पे, जो लोग बेचारे थे आज की डेट में धक्के खा रहे हैं, उनको तो रेंट देना भी बंद कर दिया आपने, ठीक है? एक तो वो चीज़, सेकेंड क्या है, इधर के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया है, जो जो नॉर्म्स हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट पर से, वी आर वॉन्टिंग द प्रोजेक्ट टू बी लीगल, वन, वी वॉन्ट ऑल नॉर्म्स फॉर दी रेजिडेंट्स। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने नवी मुंबई में धड़ल्ले से जारी रीडेवलपमेंट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उन्होंने रीडेवलपमेंट से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उजागर किया। तो आइए जानते हैं क्या है वो मुद्दे। पुनर्निर्माण जगह पर उद्यान की जगह पर भी भवन निर्माताओं ने पत्रा लगाकर किया कब्जा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि रीडेवलपमेंट कार्य में भूखंड के एकत्रीकरण के दौरान सभी नियमों को ताक पर रखा गया है, साथ ही यहां जो भी पेड़ काटे गए हैं उसकी भी कोई गिनती नहीं। जो लैंड एमलगेमेशन का केस है ये बहुत पुराना केस है, ये हम लोगों ने हाईलाइट किया था, इनफैक्ट अगर आपको याद हो हम लोगों ने कई बार प्रतिव्यवहार किया था इसके ऊपर, जब हम लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, तब जाके इन्होंने वहाँ पे बोर्ड्स लगाए जिसके ऊपर दिखाया था कि एमलगेमेशन हो गया है। इन्होंने पहले एक्सेप्ट भी नहीं किया था एमलगेमेशन हुआ है, उसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्हें एमलगेमेट करके जो पार्क्स थे वो एक जगह से दूसरे जगह कर दिए। जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है एमलगेमेशन का वो भी फॉलो नहीं किया, जो झाड़ थे वो सब काट दिए, कोई गिनती नहीं है उसकी कि क्या हुआ क्यों हुआ कुछ नहीं। अब क्या हुआ है कि जो सारा लैंड था जिसके अंदर पार्क अंदर आते हैं उसके ऊपर चारों तरफ पतरा लगा हुआ है बिल्डर का, कोई भी काम करने से पहले अगर हम लोग FSI भी मांगते हैं तो सबसे पहले क्या महानगर पालिका बोलती है, अगर तुम इधर से उधर कर रहे हो तो पहले हमारा हिस्सा दो उसके बाद तुम डेवलपमेंट शुरू करो। इस केस में वो लोग काम कर दिया है, उन्होंने एक्सकवेशन शुरू कर दिया, लेकिन जो महानगर पालिका का जो हिस्सा बनता है, जो हमारे जनता का हिस्सा बनता है ज़मीन का, वो ज़मीन का हिस्सा अभी भी पतरे के पीछे है। रीडेवलपमेंट में लिप्त पुराने राजनेता सेक रहे हैं सिर्फ अपनी रोटियां। रोहित मल्होत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जो भी पुराने राजनेता रीडेवलपमेंट में लिप्त हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी हैं। हमको एक पूरा, मतलब जिस तरीके से ये पूरा श्राउडी तरीके से चल रहा है, जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुराने पॉलिटिशियंस हो वगैरह वगैरह, इनकी मंशा ठीक नहीं लगती, ये लोग क्लियरली पता चलता है, बिकॉज उन लोगों का क्या इंटेंशन है वो जनता को मालूम है। ये जनता को मालूम है कि ये लोग तो वो हैं जो किसी के लिए कभी कुछ ना करेंगे, इनका अपना इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। तो इनके बारे में बात करके मतलब नहीं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है ज़मीन हमारी, ये क्यों प्राइवेट डेवलपर के हाथ में, कल उधर बिल्डिंग बना के भाग गया, या उसको आज की डेट में आपको क्या मत पता कि ये लोग जो लोग नए मकान खरीदने के लिए आ रहे हैं, जो प्राइवेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहे होंगे हमारा पार्क है? पता चला कल ये प्राइवेट पार्क बन गया, फिर हम बोलेंगे, हमारे बच्चों को बोलेंगे, नहीं नहीं साहब ये आपका प्राइवेट पार्क नहीं है, तो हमारा प्राइवेट पार्क है।
वो लैंड महानगर पालिका को बिल्डिंग का एक भी परमिशन देने से पहले लैंड लेना चाहिए, उधर दीवार बांधनी चाहिए, उधर गार्डन बना देना चाहिए और बोलना चाहिए ये गार्डन है और बाकी सब जमीन तुम्हारी है। 14 मीटर की सड़क को 18 मीटर करने के फैसले से स्थानिक नागरिक भी अनजान। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि नए विकास नियमावली में 14 मीटर की सड़क को 18 मीटर दिखाया गया है, लेकिन वहां के स्थानिक लोग खुद इस बात से अनजान हैं कि उनकी सड़क चौड़ी होनी है। हमारी जमीन हमें मतलब क्या इसमें छुपाने को क्या है, आप मेरे को बताइए ना। हम अपनी चीज मांग रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी चीज हमारे को दे दो बिफोर डेवलपमेंट, अभी भी नहीं दे रहे, अभी भी वही गोल 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 बात होती रहती है, हमारे को कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं। और हमने बोला करके उन्होंने डिमार्केट कर दिया, अभी बोर्ड तो कम से कम लगा दिए, पहले तो वो भी नहीं था। डीपी बनाया नया शहर का, किसके साथ कंसल्टेशन में बनाया भगवान जाने, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमने पब्लिक में डाल दिया, जिसको व्यू हो ओपिनियन हो वगैरह वगैरह, ये कैसा तरीका है? आपको पहले स्टेक होल्डर से पूछ के डीपी बनाना चाहिए था, फिर लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए था। आपने अपनी मंशा से बनाया। मेरी बात हो रही थी किसी से एस्टेट में, तो वो मेरे को बता रहे थे कि ये तो बहुत पुराना प्लान है। यानी कि जब आपने 14 मीटर की रोड को 18 मीटर किया, मैं जूगांव की रोड की बात कर रहा हूँ जो पीछे जिसके ऊपर अरिहंत का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको लेके बहुत जज्बात भड़के हुए जनता के, वहाँ की रोड को आपने 14 से 18 मीटर किया, वहाँ पे तो हमारे को कभी इतना ट्रैफिक दिखा नहीं आपने। इसका मतलब आपको पहले से पता था, आपको ऑब्वियसली जो जो जनता वहाँ पे इन्वॉल्व रही होगी उन्होंने आपको बताया था कि साहब यहाँ पे बिल्डिंगें आएंगी, नहीं तो आप क्यों करोगे ऐसा, नहीं तो आप 14 मीटर की रोड को 18 मीटर क्यों करोगे। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जितने वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल है, मैंने जाके उधर लोगों से बात, किसी को भी पता नहीं है कि वो रोड चौड़ी होने वाली है, किसी को भी नहीं मालूम है। आप बाकायदा जाके इंटरव्यू लीजिए उनका। यानी कि जो इम्पैक्ट होने वाला है, जिसकी दीवार को अंदर खींचा जाएगा, उसको भी नहीं पता है। प्लान में वो 18 और 14 रहेगा और वो डंडा दिखाया जाएगा इन लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए, हॉस्पिटल में अपना काम करवाने के लिए। हॉस्पिटल तो खैर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है तो इसमें नहीं, बट वो डंडा हमेशा दिखाया जाएगा कि साहब अगर आपने हमारा बात नहीं सुनी तो दीवार, ये आपको मालूम है 18 मीटर की रोड है, इसको 14 मीटर अभी है, उसको 18 करना है, तो ये 2 मीटर जाने वाला दीवार गिरवा देंगे आपकी। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आई हैव अ प्रॉब्लम कि ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, वाई शुड देयर बी नो ट्रांसपेरेंसी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यही मेरा नवी मुंबई महापालिका से ग्राउज रहा है शुरू से। पहली बात तो इन्होंने अपने आप को हमेशा इस सिटी का मालिक समझा है। एक आदमी को छोड़ के मेरे को हर कमिश्नर की ऐसी फीलिंग आई है कि उनको लगता है कि वो जब आते हैं तो वो शहर का मालिकाना हक लेके आते हैं, वो जिले सुभाई बन के आते हैं, ऐसा है नहीं। हमारे शहर को क्या चाहिए इसका निर्णय लेते हैं आयुक्त। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शहर के हित के लिए क्या चाहिए इसका निर्णय आयुक्त लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर जनता के पैसों की फिजूल खर्ची हुई है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सिटी के लिए क्या अच्छा है, इधर खंभा लगा दो। अरे साहब पहले पूछ तो लो जो चार आसपास रहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया खंभा किधर लगा दो? आपने अभी मिनी सीशोर जाइए, जहाँ तक पानी आता है वो पानी के वेल इनसाइड दैट हाई टाइड लाइन आपने पोल लगा दिए हैं। जिस दिन पानी भरेगा वो पोल तक टच करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, पर आपको क्या लेना देना? सही, आपने डिसाइड कर लिया, आपको डिसाइड कर लिया कि ये ठीक है सिटी के लिए, आपको दिल किया, आपने दीवारें पेंट करनी शुरू कर दी, आपने प्राइवेट वॉल्स पेंट करने शुरू कर दी। इनफैक्ट वन ऑफ द लेटर्स आई एम राइटिंग टू द एनवायरनमेंट मिनिस्टर एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कि ये महानगर पालिका, अगेन ये वही कहानी आती है ना कि प्राइवेट वॉल्स को पेंट करते हैं ड्यूरिंग द स्वच्छ भारत सर्वे, किसने परमिशन दिया है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को पेंट करने का परमिशन किसने दिया है इनको? इनकी प्रॉपर्टी है क्या वो? जस्ट बिकॉज इनको एरिया बढ़ाना है ताकि उसके अंदर ये लोग अपना माल बना पाए। सीधी सी बात है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, देखो चैरिटी की तो कोई करता नहीं, ये चैरिटेबल लोग नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। नवी मुंबई महापालिका की कोई रेपुटेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने इनके साथ काम किया पूछ लीजिए, 15%, 20%, 22% सब कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। एंड आई एम इंक्लाइन टू बिलीविंग दैम बिकॉज हर आदमी झूठ नहीं बोल सकता। पर इन्होंने सिटी में जहाँ दिल किया है कभी फाउंटेन लगा दिया है, कभी इधर पेंट करते हैं, कभी उधर पेंट करते हैं, मतलब दिस इज हाइट्स। It is one of the most corrupt municipal corporations in the whole country, I can dare say. क्या redevelopment mafia जैन टाइप को नवी मुंबई का कैंपा कोला बना रहे हैं?
रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नावी मुंबई में रीडेवलपमेंट माफिया कहीं जे एंड टाइप को कैंपा कोला ना बना दे। अगर ऐसे डिमोलिशन का मौका की अनफॉर्चुनेट वो बनती है, जैसे हमने बॉम्बे में भी देखा कैंपा कोला कंपाउंड में ऐसा इशू बनता है, बिल्डर कहाँ था? वो बिल्डर तो खैर मर गया था, वो तो कहानी खत्म हो गई। हु इज़ द मेन सफरर? ये जो हमको बार बार धमकी देते हैं ना कि 600 लोगों की ज़िंदगी, सब आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो, हमें तो वो स्टोरी सुनाओ मत। जो आपने वो इलीगल टावर बनाया वहाँ पे जो लोग बेचारे थे आज की डेट में धक्के खा रहे हैं, उनको तो रेंट देना भी बंद कर दिया आपने, ठीक है? एक तो वो चीज़, सेकेंड क्या है, इधर के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया है। जो नॉर्म्स हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट पर से, वी आर वॉन्टिंग द प्रोजेक्ट टू बी लीगल। वन, वी वॉन्ट ऑल नॉर्म्स फॉर दी रेजिडेंट्स। जिन लोगों ने घर खाली किए उनको खुद के जेब से डालने पड़ रहे हैं किराए के पैसे। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने घर खाली किए हैं उनको 12 से 14 हज़ार किराया दिया जाता है, लेकिन लोग काफी दूर रहने चले गए एवं उन्हें किराए के पैसों में अतिरिक्त पैसे डालने पड़ रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग गरीब है, अगर इनके खुद के पास पैसे होते तो वे खुद ही अपने घर का रीडेवलपमेंट करते। 12 हज़ार 14 हज़ार 16 हज़ार तुमने रेंट दे दिया, जनता दूर दूर रह रही है, अपनी जेब से 8-10 हज़ार रुपये महीने के खर्च कर रही है। ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था क्या कि उनको मकान दिलवाती, जो भी फेयर रेंट है उसके हिसाब से? अभी ये सोच लीजिए, 5-6-7 साल प्रोजेक्ट चला, हर साल लाख रुपया हर आदमी ने अपनी जेब से डाल लिया, तो 6 लाख 6 साल का तो 6 लाख रुपये ऐसे ही हो गया। कितने लोग सर्वाइव करेंगे इसको? कितने लोगों के पास उतनी परचेजिंग पावर है? वो बेचारे गरीब थे, नहीं तो अपना मकान खुद रीडेवलप नहीं कर लिया होता। आइडियली उनको रीडेवलप खुद ही बिल्डर लाके खुद रीडेवलप करते थे। इनके झांसे में क्यों आए? इनके झांसे में इसलिए आए क्योंकि पैसे नहीं थे। अभी आज की डेट में वो बेचारे कोई इधर रह रहा है, कोई उधर रह रहा है, धक्के खा रहे। हमारा इंटेंशन ये है कि इनके मकान बने, जो बिल्डिंग कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं वो भी ऑन द स्लाई जब मिलते हैं ना प्राइवेटली बोलते हैं कि साहब ये बिल्डिंग बाद में क्या बनेगी और बनेगी भी कि नहीं, वो भी उनको शक है। कानून के मुताबिक सबसे पहले पुनर्निर्माण के घर बनाना जरूरी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले पुनर्निर्माण किए जाने वाले हिस्से का निर्माण करना जरूरी है और यही नियम है, मगर इस प्रकल्प में लिप्त लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नीयत ही खराब है, ऐसा आरोप भी रोहित मल्होत्रा ने लगाया। सबसे पहले रीडेवलपमेंट का पोर्शन बनना चाहिए, दिस इज द लॉ। अगर आप रीडेवलपमेंट बना रहे हो, आप सेल पोर्शन बाद में बनाते हो, आप जाके चेक कर लीजिए कौन पहले रीडेवलपमेंट का पोर्शन पहले। हमारा तो डिमांड होगा, अगर ये लोग, ये जनता की सचमुच हितैषी है ना, रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग सबसे पहले बनाओ, हैंड ओवर करो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करना नई बिल्डिंग की। अगर दम है फॉलो करो, आप नहीं करोगे बिकॉज आपकी नीयत खराब है, कोई फॉलो नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।